फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको X6 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की इनसफिशियंट स्टोरेज की जो प्रॉब्लम है उसे आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ हमारे फोन में इनसफिशियंट स्टोरेज की प्रॉब्लम कैसे आती है। देखिए, हमारे मोबाइल फोन का जो इंटरनल स्टोरेज होता है ना, वो लगभग फुल हो जाता है या फिर बिल्कुल ही फुल हो जाता है, तब जाके हमारे फोन में इनसफिशियंट स्टोरेज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन की ना गैलरी को ओपन कर लेना है। फोन की गैलरी के अंदर आपकी जितनी भी फालतू की फोटो वीडियो आपने रख रखी है, सारी की सारी फालतू की फोटो वीडियो आपको परमानेंट डिलीट करनी है। इससे आपके मोबाइल फोन की इनसफिशिएंट स्टोरेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अगला काम यह करना है कि आपके मोबाइल फोन में देखिए जितने भी फालतू के ऐप्स है, यानी कि जिन ऐप्स को आप अपने फोन में इस्तेमाल नहीं करते ना, उन सभी फालतू के ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए जब कभी आप अपने फोन में किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं ना, तो वो जो ऐप होता है इंस्टॉल होने के बाद आपके मोबाइल फोन का इंटरनल स्टोरेज कवर करता है, क्योंकि देखिए जो ऐप होता है वो किसी न किसी MB का तो होता ही है। तो इसीलिए आपको जो है अपने मोबाइल फोन में से फालतू के ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देना है। अगला काम ये करना है, देखिए आपके मोबाइल फोन में काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनके अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिलेगी, ठीक है। तो जिस जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिल जाती है, उन सभी ऐप्स में से बैकअप सेटिंग को बंद कर देना है। यहां पर मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के लिए मैं अपने फोन की गैलरी को ओपन करता हूँ। फोन की गैलरी में देखिए राइट साइड के टॉप पर प्रोफाइल पिक्चर है, इसे टैप करना है, आपका एक पेज आएगा। देखिए इसी में बैकअप की सेटिंग है, तो ये बैकअप इज ऑफ लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने इस ऐप की बैकअप सेटिंग को यहाँ पे पहले से बंद कर रखा है। अगर आपकी बैकअप सेटिंग यहाँ पे चालू रहती है ना, तो इसके ठीक नीचे ना ऑन की जगह ऑफ का बटन होगा, ऑफ पे टैप करना है, या फिर डोंट बैकअप लिखा होगा, डू नॉट बैकअप, ठीक है, तो उसे आपको टैप करना है। तो आपका इस तरीके से ये बैकअप सेटिंग आपको बंद रखनी है, जैसे मैंने बंद की हुई है, ठीक है। तो इस देखिए दोस्तों, इसी तरीके से आपको ना और भी लगभग सभी ऐप्स के अंदर बैकअप सेटिंग मिल जाएगी, उन सभी में से भी बैकअप सेटिंग को बंद करना है। यहाँ पर मैं बैकअप सेटिंग को इसलिए बंद करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये बैकअप सेटिंग चालू रहती है ना, तो इससे हमारे फोन का जो इंटरनल स्टोरेज होता है वो जल्दी जल्दी फुल हो जाता है, जिसके कारण हमारे फोन में बार बार जो है इनसफिशियंट स्टोरेज की प्रॉब्लम आती रहती है। तो इसलिए आपको इन बैकअप सेटिंग को बंद रखना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम करना है, क्या मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज फोन को रीसेट करने की कोई जरूरत नहीं है। मोबाइल फोन को रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, आपको नीचे की साइड फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन होगा, इसे टैप करना है। आपको इस पेज में ना सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है, इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की इनसफिशियंट स्टोरेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी काम का डेटा है, जो आपका जरूरी डेटा है, सिर्फ वही डेटा आपको किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर करना है या उस डेटा का बैकअप लेना है, ठीक है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम पहले करने हैं, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने से आपके फोन की जो इनसफिशियंट स्टोरेज की प्रॉब्लम है, ये आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।